हेलो एवरीवन वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर तो रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए सो वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस नमस्ते गुड मॉर्निंग एवरीवन चलिए गाइस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं नमस्ते एवरीवन गुड मॉर्निंग चलिए गाइस यहाँ पर आप लोग के जो सेशन है से आपको पता ही है कब कब चल रहे हैं किस किस टाइमिंग्स पर चल रहे हैं डेली मॉर्निंग में सुबह दस बजे के टाइमिंग पे हम लोग सेशन करते हैं और एक सेशन हमारा होता है रात के नौ बजे के समय पे है ना नौ बजे वाले में मंडे से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं एवरीवन जो एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल के लिए होगा आप लोग वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है जो आप लोग का नौ बजे वाला सेशन है है ना और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप यूट्यूब का हमारा जो सेशन है उसके अलावा जो हमारे अन अकेडमी सेशन से आप देख सकते हो डेली फ्री सेशन हमारे चल रहे हैं ग्यारह बजे मॉर्निंग में इसी के बाद बारह बजे होता है साढ़े दस बजे होता है मॉर्निंग में ये सारे सेशंस भी हमारे बिल्कुल फ्री वाले हैं ठीक है तो इनमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एवरीवन ठीक है चलिए स्टार्ट करिए अभी गुड मॉर्निंग ऑल गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं ठीक है आप लोग आंसर करिएगा ये आप लोग का पहला सवाल है ठीक है सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी ताकि बढ़िया से कर सके ओके चेक करो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग हो गया चल यहां पे देखो अपोजिट्स लिखे हुए थे एवरीवन सारे अपोजिट्स लेटर ही लिखे हुए थे चेक करिए सारे अपोजिट तो ऐसा आएगा कि शुरुआत वाले का आखिरी में आखिरी वाले का शुरुआत में इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे अपोजिट रहेगा ठीक है तो ये आना चाहिए सेकंड वाला इसको बताइए 40 लिखा है 100 के बराबर और फिर 56 का यहां पे क्या रिलेशन होगा चेक करना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चले हो गया चालीस का रिलेशन है सौ से आप लोग को यहाँ पे छप्पन का बताना फिफ्टी सिक्स का बताना है किसके साथ होगा चेक करिए चालीस का सौ से एक तो ये बन सकता है कि इंटू टू पॉइंट फाइव कर दे हम लोग डायरेक्टली टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई हो जाए ठीक है ऐसे ही फिर छप्पन का भी इंटू टू पॉइंट फाइव से करेंगे डायरेक्टली तो यहाँ पर हमारे पास आएगा वन हंड्रेड फोर्टी ठीक है चल ये बताओ इनमें से अलग वाला ऑप्शन कौन सा है हो गया यार यहां पे किताब को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस लिखते के पर्पस के लिए होते राइटिंग पर्पस के लिए ठीक है किताब को छोड़ के है ना और ये वाले में यहां पे देखोगे तो फोर इंटू वन बराबर इंटू टू आ रहा है एक अलग वाला ऑप्शन करना था ना सिक्स इंटू थ्री बराबर नहीं आ रहा है एट इंटू टू फोर इंटू फोर यहां पे भी आप लोग का एट इंटू थ्री सिक्स इंटू फोर सेकेंड वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा ये वाला बाकी सभी में आ रहा था ठीक है चलिए आगे आते हैं ये वाला बताइएगा हो गया देखिए यहां पर प्लस वाई किया जा रहा है सभी लेटर्स में ठीक है यहां पर भी आपका प्लस वाई किया जा रहा है सभी लेटर्स में और यहाँ लास्ट में भी प्लस फाइव तो पी आर टी बना चाहिए प्लस फाइव के हिसाब से हो गया देखिए एवरीवन इंटू टू किया गया यहां पे इंटू फोर किया गया है यहां पे इंटू एट जैसे हर बार दुगना हो रहा है, है ना? तो यहाँ पे भी जब हम दुगना करेंगे तो इंटू सोलह करना पड़ेगा हम नाइन टू वन सिक्स ठीक चलो इसको सॉल्व करिएगा एक बार देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि पूनम अक्षय से कहती है कि कल उससे अक्षय की इकलौती बहन इसकी बेटी स्नेहा को एक प्रतियोगिता में हराया था तो ये इसकी बहन की बेटी है तो ये इनके कौन हो जाएंगे मामा जी हो जाएंगे इन्हीं के बारे में पूछा गया था अक्षय स्नेहा से कैसे रिलेटेड है अंकल भी बोल सकते और यहाँ पर मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं ठीक है दोनों ही आंसर करेक्ट है चौथा वाला होगा इसमें ठीक है ना चलो ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने लड़के हैं पंक्ति चले एवरी हो गया देखो पंक्ति में दोनों साइड से अगर हम लोग बात करें तो 18वें स्थान पर है ना एक ही व्यक्ति की दोनों साइड की रैंक दी गई होती है तो हम लोग ऐड करके माइनस वन कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्टी फाइव टोटल बॉयज अगर बॉयज की बात निकाले तो इसमें आएगा आप लोग का थर्टी फाइव ठीक है चल इसमें से कौन सा वाला वर्ड है जो नहीं बन सकता है वो बताना है चले हो क्या कौन सा वाला वर्ड इसमें से नहीं बन सकता यस वेरी गुड क्योंकि हमारे पास वी नहीं है तो लास्ट वाला नहीं बन पाएगा है ना जी चल, इसको बताइए भाई ऑप्टिमिस्ट का कोस्ट कोड दिया है पेसिमिस्ट का आपको निकालना है हाँ डी वाले में वी नहीं है इसीलिए डी वाला नहीं बन पाएगा चलिए ऑप्टिमिस्ट में देखिए किस तरीके से निकाला गया है आप लोग अगर कोडिंग में लिख लिया करो तो सारे आप लोग के सवाल बन जाए लिखने से भी पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है है ना देखिए यहाँ पे सारे उल्टे लिखे हुए हैं ये देखो अपोजिट लेटर्स लिखा हुआ था लेकिन मिडिल में आप देखोगे तो थोड़ा ऐसे लिखा था कि टी का यहाँ लिखा है आई का इधर एम का यहां पर और आई का यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग के दो और एंडिंग के दो जो है वो सामने सामने लिखे हुए हैं और मिडिल वाले थोड़े ऐसे क्रिस क्रॉस में लिखे हुए हैं तो जब आप पेस्ट का कोड निकालेंगे हालांकि इसमें एक ही ऑप्शन है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो हमारे पास एक ही है है ना जैसे कि पैसी -मिस्ट का कोड अगर हम निकालें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे के है यहाँ पे आपका वी है यहाँ पे आपका जी है यहाँ पे आपका एच है और लेकिन मिडिल वाले सारे क्रिस क्रॉस में आएंगे कैसे आई का यहां पर आएगा आर एम का आएगा एन का फिर से आ रहा एस का आएगा आपका एच एस का आएगा फिर आपका एच ठीक है ये वाला तो ये लास्ट वाला ही बनेगा आपका ठीक है लास्ट वाले पे टिक करिएगा चले यहां पर देखिए भाई डिफरेंस आया चार और हमने पाँच से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया ट्वेंटी है ना यहाँ पर भी आप देखो डिफरेंस आ रहा है कितना सेवन सेवन का भी मल्टीप्लाई अगर हमने फाइव से कर दिया तो आ गया यहाँ पे थर्टी फाइव आया कि नहीं यहाँ पे भी आप लोग देखिए भाई अगर सिक्सटी फोर लिखोगे तो डिफरेंस जो आएगा वो आप लोग का आएगा सोलह सोलह का पाँच से मल्टीप्लाई करने पर अस्सी यानी यहाँ पे सिक्सटी फोर आना चाहिए ठीक है चल आगे आते हैं ये वाले में मल्टीप्लाई करके वन ट्वेंटी लाना है ना तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे फोर का सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके ये बड़ी डिजिट आनी थी टू का है ऑप्शन में टू तो है ही नहीं चलिए यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स बताने कितने आएंगे ट्राइंगल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं आराम से बता सकते हो आप लोग यहाँ पे कितने आ रहे हैं चलिए निकाले देखो यहाँ से तो आपको आठ मिलेंगे सभी को पता है नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल मिलता है आठ यहाँ से मिल जाएगा आठ हमें यहाँ से मिलेगा चारों तरफ से बत्तीस मिल जाएगा उसके बाद तीन हमें मिलेंगे यहाँ अप साइड से और तीन डाउन साइड से सिक्स उसके बाद आपके हिडन वाले भी तो मिलेंगे वन टू थ्री तीन ऊपर तीन नीचे छह फिर से मिल गए कितने आ रहे हैं फोर्टी फोर इतने होंगे आप ठीक है 44, हो गया चल लाइव क्लास है भाई सो के नहीं उठे क्या अभी तक सुबह नहीं हुई मुंह धो दिखेगा लाइव है कि नहीं जब मुंह के आते हैं ना तो साइड में वहां पे लिखा रहता है कि लाइव क्लास है या नहीं है चलो हाँ फोर्टी फोर आ रहा था फोर्टी सिक्स गलत था ठीक है चले आगे करें बिल्कुल देखिए यहां पे डेन लिखा है स्पाइरल लिखा है पहले तो हम इसका डायग्राम ही बना लेते हैं डेन जितने भी हैं वो सारे आपके स्पाइरल हैं और सम आर कार्ड्स कुछ स्पाइरल आपके कार्ड भी हैं नेगेटिव वाले तो दोनों ही गलत हो गए हमारे बिकॉज पॉजिटिव स्टेटमेंट था ठीक है और यहाँ पे लिखा है कुछ कार्ड आपके डेन से संबंधित है तो देखो डेन और कार्ड का यहां पे अभी कुछ बताया नहीं गया तो ये भी गलत होगा तीनों ही रॉन्ग है इसमें एवरी कोई भी नहीं बन रहा है एक भी ऐसा नहीं है यहां पे कंक्लूजन जो राइट right है सारे गलत है ठीक है चलिए बताइए इस सीरीज में अगला टर्म क्या होगा वो बताना है आप ट्राइंगल वाला सही है मेरे भाई विक्रम भाई सही है ठीक है ट्राइंगल वाला स्क्वायर वाला जितने भी बताए सारे सही है ठीक है आप एक बार दोबारा चेक कर लेना शायद हो सकता है आपने कोई दो बार काउंट कर लिया हो या कोई काउंट करने से रह गया हो ठीक है मैं यहाँ पे बता रही हूँ चैनल पे इतने बड़े पे तो मैं गलत बता नहीं रही हूँ मैं सही बता रही हूँ ठीक है मेरे भाई चलो एक बार रीचेक कर लो कोई दिक्कत नहीं ओके इस वाले में क्या बन रहा है भाई कोई सीरीज में निकाल रहे हो क्या ये आपका बेसिक डिफरेंस से भी बन जाएगा ना 97 आएगा यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है आपका 197 का गैप यहाँ पे 297 का और यहाँ पे हमें 397 जुड़ रहे थे 397 अब अगली बार जब हम जोड़ेंगे तो हम चार जोड़ सकते हैं क्योंकि एक हर बार 100 100 बढ़ते जा रहा है है कि नहीं तो इसका भी आंसर आप लोग का गलत आ रहा है भाई पहला वाला आना चाहिए था फर्स्ट वाला एवरी वन आएगा चलो यहां वाले पे हो गया ये देखो आपका सिक्सटीन लिखा था रिवर्स करो इसको ये आपका पच्चीस लिखा हुआ था ये आपका लिखा था फोर्टी अगला भी हमारा कितना आएगा सेवन के बाद एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर होता है उसी का उल्टा लिख दीजिए फोर्टी सिक्स ठीक है अगला करो भाई ये वाले में हाँ ये आपका बेसबॉल यूएसए से संबंधित है राष्ट्रीय खेल की बात है तो ये यूएसए से संबंधित है ठीक है और ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन एक बार चेक करना वाले देखें यहाँ पर लिखा था कि आज मंडे है तो अगले दिन ट्यूसडे और परसों वाले दिन वेडनेसडे होगा उसी दिन पे हमारा शिवरात्रि का त्यौहार पड़ेगा ठीक है और वेडनेसडे का अगला दिन जो होगा वो आपका रहेगा गुरुवार क्योंकि इन्होंने बोला था शिवरात्रि के अगले दिन कौन सा दिन होगा तो गुरुवार आंसर आना चाहिए इसमें ठीक है ओके इस वाले में क्या बनना चाहिए भाई पेरेंट्स मदर एंड फादर पेरेंट्स के अंदर दोनों आते हैं पेरेंट्स के अंदर दोनों आते हैं मदर भी आते हैं और फादर भी बट अलग अलग आते हैं ठीक है क्योंकि एक मेल है एक फीमेल है यहां पे बताइए रोमबस एक्यूलेटर ट्राइंगल पेंटागन और स्क्वायर रोमबस आपका इस तरीके से होता है चारों साइड्स बराबर होती हैं। इक्विलेटरल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। बट पेंटागन की पांचों साइड्स बराबर नहीं होती हैं। ठीक है पेंटागन के फाइव साइड्स जो होते हैं वो बराबर हो या नहीं पता नहीं है ठीक है ऐसा तो यहां पे क्या होगा भाई इफ यू आर अ हार्ड वर्कर आप एक हार्ड वर्कर हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा ठीक है और तो बताइए फिर पहला तो रॉन्ग हो गया नेगेटिव लिखा था दूसरा बिल्कुल सी ये हार्ड वर्क लीड्स टू प्रमोशन ठीक है अगर हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो प्रमोशन डेफिनेट है. है ना और इस वाले में क्या आएगा मिसिंग नंबर में चले यहाँ पर आप देखोगे अठारह का जब हम लोग इंटू थ्री से करते हैं फिफ्टी फोर आता है तो अगर सिक्स ऐड कर दे यहाँ भी अगर हम तीन से गुणा करते हैं एक सौ अस्सी आता है तो सिक्स ऐड किया गया है ठीक है तो यहां पर भी आपका आएगा सिक्सटीन हंड्रेड नाइनटी एट इंटू थ्री प्लस सिक्स तो ये आएगा इक्यावन सो फिफ्टी वन हंड्रेड ठीक है सेकेंड ऑप्शन है चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग को एवरीवन करना है अभी इस समय होमवर्क में ठीक है इसके बाद का सेशन में अभी तुरंत कराने जा रही हूँ थर्टी बाई थर्टी के हमारे सेशन होते हैं के के प्रैक्टिस सेट ये आपका पे रहेगा फिर आप लोग का बजे वाला भी अन अकेडमी पे रहेगा आप लोग ज्वाइन करिएगा और फिर बारह बजे से भी आपका क्लास अनअकेडमी पे होगा फ्री वाला ठीक है आप सब ज्वाइन कर सकते हैं ओके इसी के बाद फ्री सेशन पर आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा एंड गाइज अभी आप लोग के ऑफर का यहाँ पर सिक्सटी फाइव परसेंट चल रहा है ठीक है ये आपका ट्वेंटी फोर तक यानी आज तक वैलिड है अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो ऋतिका टेन से आपको सिक्सटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा साथ ही फोर मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी मिलेगा ठीक है ओके यहाँ पे आपके एस एस सी के ठीक है यहाँ पे अगर हम बात करें एस एस सी के भी बैचेस चल रहे हैं रेलवे के भी हमारे बैचेस चल रहे हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये सारे बैचेस के लिए अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो आप लोग को अगर डिस्काउंट चाहिए देन यू विल गेट कोड रितिका टेन अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे आप लोग को ऑफ हो जाएगा सिक्सटी फाइव परसेंट ठीक है डायरेक्टली आप ये वाला कोड लगा सकते हो ठीक है एवरी जी चलो थैंक यू एवरी थैंक यू ऑल ऑफ यू अभी नेक्स्ट क्लास आपका अन अकेडमी पे ही रहेगा आप लोग अन अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हो फ्री क्लास है